फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बंदा जैस के रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, मैं बंदा डंडोतिया एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी लेके। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम हम सबको पसंद है, बड़े बच्चों सबको। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आइसक्रीम बनाने की रेसिपी एकदम झटपट। से हमने ले लिया है 1 लीटर दूध। अब हम इसे लगातार चलाएंगे, नहीं तो ये बीच में लग जाएगा और जलने लग जाएगा, इसलिए हमें अपनी करछी बंद नहीं करना है, लगातार चलाना है। और ये थोड़ा गर्म हो गया है, अब हम इसमें से 2 बड़े चम्मच दूध निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसका मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 बड़े चम्मच दूध निकाल लिए हैं, अब हम इसे थोड़ी देर और चलाएँगे। और अब हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे जो आइसक्रीम की मेन चीज़ है, ये है मलाई। एक घर की बनी हुई 1 कटोरी मलाई है जो ग्राम में है 250 ग्राम। अब हमने इसमें ये ऐड कर दी है। ये अगर आपके पास ये ना हो तो क्रीम डाल सकते हैं, जो अमूल की क्रीम होती है वो। और अब हम इसे लगातार चलाएंगे। अब हम अपने आइसक्रीम बनाने के नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। ये हमने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये फ्रेंड्स वनीला फ्लेवर का है। अब हमने जो दूध निकाला था उसे इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एक पतला सा घोल बना के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हम एक साथ ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स बन सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं किस तरीके से इसका घोल बना रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। एकदम हमें लम्स फ्री घोल बनाना है। आप इसमें चाहे तो ठंडा दूध भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा लम्स फ्री घोल बन के तैयार हो गया है, आप देख पा रहे हो, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने आइसक्रीम के लिए दूध रखा था वो। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसे करछी चलाते हुए इस तरीके से हम ऐड करेंगे। एक साथ नहीं सारा डालेंगे, नहीं तो इसमें हमारे जो घोल बना रहे हैं आइसक्रीम का, उसमें लम्स बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं किस तरीके से हम करछी को चला रहे हैं, इस तरीके से हमें चलाना है इसे लगातार। अभी हमें और लगातार इसे चलाना है जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। और इस तरीके से अपनी करछी को गोल गोल घुमाते हुए, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हमारा ये जो मिश्रण तैयार कर रहे हैं आइसक्रीम का, वो नीचे तले में लग जाएगा और जल जाएगा, तो हमारी आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये कंटिन्यू रखना है। देखिए अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, अभी तक हमने इसमें चीनी नहीं ऐड की है। फ्रेंड्स, अब हमने इसमें 1/4 कटोरी चीनी ऐड की है, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर और इसे इस तरीके से चलाऊंगी और करछी को गोल गोल घुमाऊंगी, जिससे हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और थोड़ा सा हमारा जो मिश्रण है तो वो और थिक हो जाएगा आइसक्रीम जमाने लायक। देखिए फ्रेंड्स, मैं किस तरीके से इसे मुझे कम से कम 2 से 3 मिनट और चलाना है, तब ये जाके आइसक्रीम बनने के। अब ये हमने अपना घोल पूरा अच्छे से ठंडा कर लिया है, देखिए किस तरीके से। और अब हम इसे एक प्लास्टिक के डब्बे में ट्रांसफ़र कर देंगे, देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से। अब हमने ये अपना सारा मिश्रण इस डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसमें एक फॉइल लगा के इसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रेंड्स, फॉइल लगाने से हमारी जो आइसक्रीम बनाएंगे उस पर आइस क्रिस्टल नहीं आएंगी और एकदम सॉफ्ट और मार्केट जैसी बनके तैयार होगी, एकदम फ्लफी टाइप। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से पूरी तरीके से इसे कवर कर देंगे, आप देख पा रहे हो मैं किस तरीके से। अब हम इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा देंगे अच्छे से, और अब हम इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। अब ये 3-4 घंटे हो गए हैं फ्रेंड्स, अब देखिए हमारी आइसक्रीम जम गई है। अभी हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। इस तरीके से मैं इस आइसक्रीम को एक ग्राइंडर जार में निकाल लूँगी, देखिए फ्रेंड्स ये निकाल लिए। अब इसे थोड़ा सा हम ग्राइंड कर लेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। अब हम इसे दूसरे प्लास्टिक के डब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे, अभी हमारी आइसक्रीम पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हुई है। फ्रेंड्स, ग्राइंड करने से हमारी आइसक्रीम और ज़्यादा फ्लफी एकदम सॉफ्ट बनती है, जो मार्केट वाला टेस्ट आता है वो इसी प्रोसेस करने से आता है, तो फ्रेंड्स ज़रूर करें। अब हम इस पर फिर से फॉइल लगाएंगे और इसे
फिर से हम 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और देखिए मैं इस पर किस तरीके से फॉइल लगा के इसे कवर कर रही हूँ। इसे बिल्कुल पूरी तरीके से कवर करना है, क्योंकि नहीं तो इस पर आइस क्रिस्टल आ जाएंगे तो हमारी आइसक्रीम का पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हमें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और पूरी तरीके से इसे एकदम पैक करके 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। अब इसे हम फ्रिज में रखने की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ये अब 3-4 घंटे हो गए हैं और हमारी आइसक्रीम बनके तैयार है। देखिए मैं आपको खोल के बताती हूँ, ये मैंने एक और दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र करके रखा था, मिश्रण बचा था वो वाला है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी आइसक्रीम में बिल्कुल आइस क्रिस्टल नहीं आए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी एकदम स्मूथ आइसक्रीम बनके तैयार है। मेरे पास स्कूप नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं इस सूप वाली स्पून से अपनी आइसक्रीम निकाली है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी आइसक्रीम बनके तैयार है, एकदम टेस्टी और यम्मी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।